हेलो एवरीवन, सेंट जोसेफ टाइम्स से मैं हूं कोमल और आज हम पहुंच चुके हैं सेंट जोसेफ डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरबंता सिंह मार्ग मेन ब्रांच में। यहां पे हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं कृष्ण कन्हैया की रासलीला। It is believed to bring prosperity,
welfare and positivity in and around us. किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान की आराधना करना उतना ही जरूरी है जितना एक दिए को जलाने के लिए घी का होना। तो आइए, आप सब लोग आरती के लिए आमंत्रित हैं। मैं अपने चीफ गेस्ट से अनुरोध करती हूँ कि वह स्टेज पर आएं और आरती करें, और उनके साथ प्रिंसिपल मैम से भी अनुरोध करती हूँ कि वह भी उनके साथ आएं।
वेलकम टू अवर चीफ गेस्ट मिसेस संगीता चोपड़ा मैम एंड ऑगस्ट गैदरिंग. प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज. हम हर साल अपने यहाँ पर बांके बिहारी जी को दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे स्कूल में पधारें और यहाँ पर आकर के हमें आशीर्वाद दें. इस बार ये काम जो है वो हमारे चेयरपर्सन मैम अपने साथ ही जो है वो कान्हा जी को लेकर के आई हैं. मैम पूरे स्टाफ की तरफ से पूरे बच्चों की तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत है. जिस तरीके से आप हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखती हैं, मेरी भगवान श्री कृष्ण से आस है अरदास है कि वो हम सब पर इसी तरीके से जो है वो अपना हाथ बनाए रखें. इसके साथ साथ ही मेरी जितनी भी यहाँ पर ऑडियंस आई हैं, ऑल द ऑगस्ट गैदरिंग प्रेजेंट हियर, आई वेलकम यू ऑल विद माय ओपन हार्ट. वंस अगेन थैंक यू एवरीवन टू बी हियर टू बी द पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द कृष्णा जी इटसेल्फ. आई होप एंड आई नो दैट कृष्णा जी इज हेयर. वो यहीं पर हैं, आज वो कहीं और नहीं है, वृंदावन में नहीं है, मथुरा में नहीं है, कहीं मंदिरों में नहीं है. आज वो सेंट सोल्जर स्कूल के प्रांगण में अपने आप में जो एक विद्यालय है, जो विद्या का मंदिर है, वहीं पर ही विराजमान है. सो राधे राधे. आप सबने राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मीरा के प्रेम के बारे में पता है? राधा और मीरा दोनों ही श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी. आइए उन दोनों के आध्यात्मिक प्रेम की एक झलक देखते हैं. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सेंट सोल्जर की राधा और मीरा का. से लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गले गले हरे गुण गाने लगी. बैलों में पली बन के जोगन चले, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी. ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ¡Gracias!
बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम ने राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। राधे राधे, आप सब तो मुझे जानते ही हैं। कोई मुझे कान्हा कहता है और कोई बाल कृष्णा, किसी के लिए मैं गोवर्धन धारी हूँ, तो किसी के लिए माखन चोर, कोई मुझे छप्पन भोग लगाता है, तो कोई मेरी आरती करता है, कोई मुझे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाता है, तो कोई मेरा सुमिरन करता है, परंतु मैं तो केवल प्रेम भरे भाव से ही खुश हो जाता हूं। राधे राधे।
क्या कभी आपने सोचा है कि आज ना जाने कितने प्राकृतिक आपदाओं ने पृथ्वी को घेरा है, इसके पीछे का क्या कारण होगा? जी हाँ, इसका कारण है आज का मनुष्य, जो प्रकृति से छेड़छाड़ करता रहता है। वरना तो एक वो समय था जब मैंने द्वापर युग में समंदर के भीतर ही द्वारिका नगरी बसा दी थी। तो चलिए ले चलता हूँ आज से 5000 वर्ष पूर्व मथुरा के उस समय में, जहाँ आकाशवाणी हुई थी और कंस को पता लगा कि देवकी माँ का 8वां पुत्र उसका काल होगा। मुझे आज भी याद है वो रात जब जन्म के बाद मेरे पिता वसुदेव जी ने नन्हे कान्हा को घनघोर वर्षा के बीचों बीच यमुना पार गोकुल ले गए, जहां नंद बाबा व यशोदा मैया ने मेरा लालन पालन किया। मेरे जन्म की खुशी को बड़े उत्साह व ऐश्वर्य के साथ मनाया। तो चलिए देखते हैं वो मनमोहक दृश्य। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। आकाश से वाणी कंस, तेरे पाप की गागर भर चुकी है, देव की वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। ओ जय हो, देव की और वसुदेव को उसने कारागृह में डाल दिया, सभी पुत्र एक एक मारे। सभी पुत्र एक एक मारे, अत्याचारी ने पाप किया। 8वीं बन संतान पधारे, श्री हरि जगत रचैया, जय हो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया
कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया बजे घर घर में बधैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया भादो मास था अष्टमी कृष्ण पक्ष थी नक्षत्र रोहिणी था श्री हरि बाल कृष्ण बन आए दिव्य चमकती रोशनी लेके पिता वसुदेव उन्हें यमुना पार करते हैं गोकुल में यशोदा के पास रख कन्या ले चलते हैं कृष्ण कन्हैया जय हो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया जय हो कृष्ण कन्हैया हो कृष्ण कन्हैया जय हो जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया जय हो जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया जय हो जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया जय हो जय हो ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आयो रे
बाल कृत्यों को लोग लीलाएं कहकर पुकारते हैं, जैसे कि मेरा माखन चुराना, मैया का मुझे औखल से बांधना, कभी फल वाली से फल खरीदना, तो कभी धूर्त गोपियों के वस्त्र चुराना। राधे राधे। बोलो
क्या आप जानते हैं कि मुझे 56 भोग क्यों चढ़ाया जाता है? जब मैंने 7 दिनों के लिए गोवर्धन उठा रखा था, तब मेरी मैया यशोदा मुझे एक दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। तो चलिए देखते हैं वो गोवर्धन लीला जिसमें सारा ब्रज मंडल समाया था। कह रहे हो भाई, लगता है महेंद्र देव गुस्सा हो गए हैं। ये सब इंद्रदेव का कमेंड है, एक देव होकर ऐसा तुच्छ आचरण नहीं, ये ठीक नहीं। आप सब निश्चिंत रहें, इस मूसलाधार वर्षा से आपको कोई हानि ना पहुंचेगी। किंतु हम सब कहां जाएंगे यशोदानंद? किसी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये गिरिराज गोवर्धन जो है, इसके नीचे आ जाइए। आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, किसी को कुछ भी हानि ना पहुंचेगी। अब इंद्रदेव चाहे जितनी वर्षा करे, सभी वृंदावन वासी बिल्कुल सुरक्षित हैं।
एक दिन मामा श्रीकंस ने अपना झूठा स्नेह दिखाने के लिए मुझे मथुरा बुलाया और मुझे अपने प्राणों से प्रिय वृंदावन और सभी ब्रिजवासियों को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा आकर मैंने कंस का वध किया और मथुरावासी आनंदित हो उठे। कंस वध के साथ ही मेरी बाल लीलाओं से जगत को मोहित करने का कार्य समाप्त कर मैं आगे हस्तिनापुर की ओर बढ़ा, जहां मुझे धर्म की अधर्म पर विजय प्राप्त करवाते हुए इस संसार को गीता का उपदेश देना था। और इसकी शुरुआत हुई कौरवों की उस महान सभा से। स्त्री, क्या अर्थ है इस शब्द का? पुरुषों ने जिसे नाम दिया क्रिया, ये नाम क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात नहीं। मानना ये है कि पुरुष सोचते हैं कि क्रिया अर्थात स्त्रियां सोचती कुछ हैं, कहती कुछ और करती कुछ और ही हैं। परंतु क्या यही सत्य है? वास्तविकता ये है कि क्रिया तो केवल चरित्रहीन पुरुष हैं और कोई नहीं। और सत्य तो ये है कि जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रहे, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बनके जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बनके विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा, वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। तो आइए आपको ले चलता हूँ उन वीरों और दिग्गजों की सभा में, जहाँ एक नारी का ना केवल अपमान हुआ, अपितु उसके मान को भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई। संसार में जब भी किसी नारी का अपमान होता है, तब ना केवल उसका तन बल्कि उसकी आत्मा तक आहत होती है और दर्द से कर्राह उठती है।
चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ, पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। बंद करो इन झूठे बलशाली का, आदेश है मेरा इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। दुनिया छूना चाहे मुझको जैसे उनकी सारी की सारी, दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ, कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। जहाँ सब मौत खड़े हैं वहाँ मेरा सखा मेरा कृष्णा आएगा मेरी रक्षा करेगा। Thank you.
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो मान वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड के होते फिर चाहे लोग जलाए मुझे तन पर वस्त्र न खाने को रोटी न चांदी न सोना न हीरे न मोती तू माने या न माने मैं तो ये मानूं कि कृष्णा न होते ये दुनिया न होती ಭಜೆ ऐसा नहीं है कि इस युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने स्वयं प्रयास किया। मैं स्वयं शांति दूत बनके सभा में गया। जब किसी भी हाल में युद्ध ना टल सका तब अंत में कौरव और पांडव इस धर्म युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। परंतु जब मेरा सगा पार्थ अपने सगे संबंधियों को देखकर अधीर हो गया और अपना गांडीव छोड़ बैठा तब मैंने ना केवल उसे बल्कि पूरे विश्व के कल्याण हेतु महान गीता उपदेश दिया। कैसे, आइए देखते हैं। निराश हो अर्जुन ने रणभूमि में अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान श्री भगवान इससे पहले भी सूर्य देव को दे चुके थे। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 तथा संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। गीता का यह उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया और उस दिन एकादशी थी, इसीलिए हमारे यहां एकादशी का इतना महत्व है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यतो धर्म ततो जया। अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, दुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्वगुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है, उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता। परमाधव, क्या आप ही परमात्मा हैं? आपार, मैं परमात्मा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं शुजामय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण, पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं, कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। क्या बात है, मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा, दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं मैं, देखो अब विश्वरूप मेरा।
सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। यही एक ज्ञान जो विश्व में सारे ज्ञानों तथा विज्ञानों का आधार है। यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते, ऐसा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। इन्हीं संघर्षों के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत आनंद भी मनाया। वह अपने आसपास के गांववासी गोपियों का ध्यान भी रखते और उनके साथ उठकेलियां भी करते। जब वे खुश होते तो अपने आसपास के गांववासी पशु पक्षियों गोपियों के साथ मिलकर अपनी खुशी को बयान करते थे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार श्री कृष्ण अपनी खुशी को बयान करते थे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सारा तू बांसुरी वाला
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सबके स्वामी कयामी पूर्ण कीजे काज। खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए।
मेरे जीवन का सबसे प्रिय और मधुर संगम वो था जब मैंने गोपियों सहित अपने प्राणों से प्रिय राधा संग महारास किया, जिस रास में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और स्वयं महादेव गोपी रूप धारण कर ब्रजमंडल में आए। तो क्यों ना हो जाए फिर से वही महारास। राधे राधे। Come on.
से मिलने आए, मेरी श्री जी से मिलने आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, कृष्ण को तो केवल कृष्ण का ही रंग चढ़ सकता है। कृष्ण को रंग नहीं आई हो? नहीं, कृष्ण से रंग नहीं आई हो। जग करता है प्रेम, प्रेम पाने के लिए इन्होंने किया प्रेम, प्रेम समझाने के लिए। आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में होली है रसिया।
स्थानों का लगभग मन मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाघन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के बनानी। आज जो आपने यहाँ लीला दिखाई है वो बकायदा इसी तरह हमें कहती है कि हम सबको कृष्ण की तरह ही जो है प्रेम में बनना चाहिए, कृष्ण जी की तरह ही दिव्य बनना चाहिए और कृष्ण जी की तरह ही एक अच्छी आत्मा बन के यहाँ पे आना चाहिए। आइए इस भारत को उसी स्वर्ण युग में लेके जाएं जहाँ पे प्रेम ही जो था वो आत्मा की आवाज़ थी और जो मन था वो उसमें जो सत्य था वही जो थी आपका आपकी जो है धर्म था। तो इसी तरह प्रेम में बनाते हुए आज इस जन्माष्टमी के उत्सव को इतना प्रेम में बना दें कि हर जगह प्यार और अपनापन की जो है वो नदी बहती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। आज जो यहाँ पे आपने लीला दिखाई है मन गदगद हो गया है और मैं कहती हूँ ये फेस्टिवल की शुरुआत इस तरह से हुई है, इसी तरह हमारा जो साल है बहुत खुशियों भरा जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। थैंक यू मैम। राधे राधे। आप सभी को, आप सभी सुनने वालों को, आप सभी सेंट सोल्जर टाइम्स चाहने वालों को मेरी तरफ से सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच के प्रिंसिपल स्टाफ मेंबर्स सबकी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने अपने स्कूल में कृष्णा जी को पास में बुलाया और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने हमारी इस अर्जी को स्वीकार किया और वो वाकई में ही हमारे प्रांगण में बैठे। बच्चों के एक एक रूप में मुझे कृष्णा जी और एक एक लड़की में मुझे राधा।
राधा नजर आ रही थी, गोपियां नजर आ रही थी, ग्वाले नजर आ रहे थे। माँ यशोदा, देव की माँ, वसुदेव जी, हर किसी ने अपना अपना किरदार बहुत ही गंभीर रखा। आज हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया। हमारे यहाँ पर कृष्ण जी के जन्म से लेकर के जो उनका मेन मोटिव था इस धरती पे अवतरित होने का, कि किस तरीके से वो अधर्म पर धर्म की विजय को बताना चाहते थे, वो सब लोगों को यहाँ पर बच्चों ने जो है वो अपने अलग अलग भूमिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किया। चाहे वो उनका जन्म था, चाहे वो उनकी अलग अलग तरह की लीलाएँ थी, चाहे चीरहरण से द्रौपदी को बचाना था, चाहे अर्जुन को गीता सार देना था, और अंत में उसके नज़दीक सबसे पहले उनका महावास। आज तो ऐसे लग रहा था कि वृंदावन स्वयं चलकर सेंट सोल्जर के प्रांगण में आ गया है। तो मेरी तरफ से, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर और सब बच्चों की तरफ से, सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राधे राधे। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सचमुच राधा कृष्ण विराजमान है। सबने उनका दर्शन किया और उनकी रास लीला के साथ होली मनाते हुए खुद भी मगन हो गए। आपको स्पेशली ये जन्माष्टमी का पर्व कैसा लगा? हमारी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम के साथ। कैमरामैन अनुराग के साथ तोमर।